लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही राजनीति गलियारों में हलचल हो चली है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की नामांकन रैली व सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन फॉर्म भरवाया। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही राजनीति गलियारों में हलचल हो चुकी है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नामांकन व रैली सभा का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच के नामांकन फॉर्म भरा। दुर्ग लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू की नामांकन रैली और कांग्रेस का दम दिखाने दुर्ग के पुराने गंज मंडी में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में बड़ी संख्या में शामिल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपना उत्साह दिखाया। बता दें, दुर्ग लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र साहू आम सभा में उपस्थित होकर वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे भी शामिल रहे। बड़े ही सादगी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर राजेंद्र साहू ने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। पूर्व विधायक आदरणीय प्रतिमा चंद्राकर जी भी पहुंचे, मैं उधर भी स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। प्रतिमा जी इसी कड़ी में इससे पहले गंजपारा स्थित पुरानी गंज मंडी की सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी बात कही और कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू को जीत दिलाने की बात कही। कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एक स्वर में कांग्रेस को जीत दिलाने का दावा किया और नारे लगाए। इस दौरान नामांकन रैली में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही। कलेक्ट्रेट में आज आदरणीय रविन्द्र चौबे जी और जो प्रस्ताव थे सब उपस्थित हैं। सभी बड़े नेता यहाँ उपस्थित हैं, लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और जबरदस्त उत्साह आदरणीय राजेंद्र साहू जी के पक्ष में यहाँ माहौल है। कांग्रेस यहाँ एक तरफा जीतने वाली है। भाजपा का घोषणा पत्र बिल्कुल शून्य है। भारतीय जनता पार्टी में निराशा की लहर दौड़ पड़ी है क्योंकि उस घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में नया कुछ नहीं है। जो बातें पुरानी घिसी पिटी बातें हैं वही है। बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, नौजवान के भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, महिलाएं जो घर चलाती है, महंगाई से जूझ रही है, उसके बारे में कुछ नहीं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।